आज मैं लेके आई हूँ मिल्क और हनी फेशियल, जो कि आपको एकदम पार्लर वाला ग्लो देगा। और साथ ही अगर आप ये फेशियल घर पर कर लेते हैं इन गर्मियों में, तो आपको इन गर्मियों में पार्लर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस फेशियल को करना। तो फेशियल का जो पहला स्टेप होता है वो होता है क्लेंज़र, ये सब आप जानते ही हैं। तो क्लेंज़र बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर लूँगी 1 चम्मच दूध। दूध मैंने यहाँ पर ठंडा लिया है। और इसके बाद में आपको इसमें ऐड करना है 1 चम्मच हनी यानी शहद, और बस दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करते ही जो आपका क्लेंज़र है वो बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा जो क्लेंज़र है वो बनकर तैयार हो गया है। अब इसके बाद में मैं इसे फिंगर टिप्स की हेल्प से पूरे फेस और नेक पर अप्लाई कर लूँगी। आप चाहो तो किसी कॉटन बॉल की हेल्प से इसे पूरे फेस और नेक पर अप्लाई कर सकते हो। और अप्लाई करने के बाद में आपको इसके साथ में 3 से 4 मिनट के लिए बहुत ही जेंटली मसाज करनी है। ऐसा करने से आपके फेस से ऑयल, डर्ट, डस्ट जो है वो रिमूव हो जाएंगी और आपकी जो स्किन है वो नेक्स्ट स्टेप के लिए तैयार हो जाएगी। तीन से चार मिनट तक मसाज करने के बाद में आप अपने चेहरे को पानी से वॉश कर लें। और इसके बाद में सेकंड स्टेप है हमारा स्क्रब। तो स्क्रब बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए चावल का आटा। मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 छोटा चम्मच चावल का आटा। चावल का आटा आप घर पर भी बनाकर तैयार कर सकते हो। और इसके बाद में मैं यहाँ पर ऐड करूँगी 1 चम्मच मिल्क। मिल्क वही मैंने ठंडा वाला मिल्क लिया है। और इसके बाद में कुछ बूंदें मैं इसमें हनी की ऐड कर दूँगी। और इसके बाद में इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करके आप अपना स्क्रब बनाकर तैयार कर लीजिए। मेरा स्क्रब बनकर तैयार हो गया है। अब इसके बाद में मैं इसे पूरे फेस और नेक पर पहले अप्लाई कर लूँगी अच्छे से, जैसे मैंने क्लेंजर को अप्लाई किया था। और पूरे फेस और नेक पर इसे अप्लाई करने के बाद में बहुत ही हल्के हाथों से हम मसाज करेंगे, मतलब स्क्रब करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। ऐसा करने से आपके जो ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं वो रिमूव होंगे, साथ ही आपके पोर्स में जितनी भी डस्ट और डर्ट होगी वो रिमूव हो जाएगी। दो से तीन मिनट तक स्क्रब करने के बाद में आपको अपने फेस को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है। तो ये तो था सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप है हमारा मसाज क्रीम। तो मसाज क्रीम को बनाने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी 1 से 2 चम्मच एलोवेरा जेल की। एलोवेरा जेल यहाँ पर आप प्लांट वाला भी ले सकते हो, मैंने मार्केट वाला लिया है। और फिर इसके बाद में आपको 1 चम्मच इसमें दूध ऐड करना है। फिर मैं यहाँ पर ऐड करूँगी 1/4 चम्मच हनी यानी 1/4 टीस्पून हनी। और लास्ट में मैं यहाँ पर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ जोजोबा ऑयल की ऐड करूँगी। अगर जोजोबा ऑयल नहीं है तो आप ले सकते हो विटामिन ई का 1 कैप्सूल और इसमें ऐड कर दीजिए और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए जब तक ये क्रीम की फॉर्म में ना आ जाए। अब हमारी जो मसाज क्रीम है वो भी बनकर तैयार हो गई है। इसके बाद में हम इसे ज़्यादा अपने पूरे फेस और नेक पर अप्लाई कर लेंगे। ज़्यादा क्वांटिटी में आपको इसको लगाना है क्योंकि इसके साथ में हमें बहुत देर तक मसाज करनी होती है। तो इसे अप्लाई करने के बाद में आप 10 से 15 मिनट तक लगातार मसाज करेंगे इसके साथ में, बहुत ही हल्के हाथों से रिलैक्स देते हुए स्किन को। मसाज करने से हमारी जो स्किन है वो टाइट होगी और हमारे अगर रिंकल्स हैं फेस पर तो वो भी रिड्यूस होते हैं, डार्क स्पॉट्स रिड्यूस होते हैं और हमारी जो स्किन है काफ़ी ज़्यादा फेयर और ग्लोइंग बनती है। दस से 15 मिनट तक मसाज करने के बाद में आप अपने फेस को वॉश कर लीजिए पानी की हेल्प से। और ये तो था हमारा थर्ड स्टेप। इसके बाद में हम बढ़ते हैं फोर्थ स्टेप की तरफ, जो कि है मास्क। तो मास्क को बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी, और फिर आपको चाहिए 1/2 चम्मच बेसन। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी कुछ बूंदें हनी की, और लास्ट में हम इसको दूध मिलाकर इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। दूध आप इसके अकॉर्डिंग ऐड कर लें कि कितने दूध की ज़रूरत पड़ेगी इसे पेस्ट बनाने के लिए। हमारा जो मास्क है वो भी बनकर तैयार हो गया है। इसकी कंसिस्टेंसी आपको इतनी रखनी है और किसी ब्रश या फिर फिंगर टिप्स की हेल्प से आप इसे पूरे फेस और नेक पर इवनली अप्लाई कर लीजिए, जैसे कि आप वीडियो में देख ही सकते हो। इसको आपको अप्लाई करना है नीचे से ऊपर की तरफ, जैसे मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पर।
ये मास्क लूज स्किन को टाइट करने में हेल्प करेगा, डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करेगा और साथ ही हमारे स्किन पर अगर किसी भी तरह की टैनिंग है या सनबर्न्स हैं तो उनको ये रिमूव करने में हेल्प करेगा। इसको अप्लाई करने के बाद में इसे हम 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे और 10 मिनट के बाद में पानी के साथ में वॉश कर लेंगे और आप देख ही सकते हो मेरे फेस पर चेंज के पहले स्टेप के बाद में और लास्ट स्टेप के बाद में कितना ज़्यादा अंतर आया है। आप एक बार इस फेशियल को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो ये तो हो गए 4 स्टेप फेशियल के और इसके बाद में लास्ट स्टेप आता है हमारा मॉइस्चराइज़र। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है फेशियल का। ये यहाँ पर मैं अपनी पसंद का मॉइस्चराइज़र ले रही हूँ, आप अपनी पसंद का कोई भी मॉइस्चराइज़र या सीरम या एलोवेरा या जेल अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हो और इसे मैं जब तक लगाऊंगी जब तक ये एब्जॉर्ब नहीं हो जाएगा मेरी स्किन में। आप भी एक बार ये मिल्क और हनी फेशियल ट्राई करके देखो, ये सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है आपको। अगर आप इसे ट्राई करते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।